नमस्कार आदाब, न्यूज क्लिक के डेली राउंडअप में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। संसद ने GNCTD 2021 विधेयक किया पारित, केजरीवाल ने इसे लोकतंत्र के लिए दुखद दिन बताया। चुनावी बॉन्ड पर रोक की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने रखा फैसला सुरक्षित। कैग रिपोर्ट, FCI के कुप्रबंधन से हुआ 55 करोड़ से अधिक का वित्तीय नुकसान। संसद में पास हुआ नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट बिल 2021। और आखिर में कोरोना अपडेट, भारत सरकार ने एस्ट्राजेनेका कोविशील्ड के निर्यात पर अगले आदेश तक लगाई रोक। संसद ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र विधेयक GNCTD 2021 पारित कर दिया है, जिससे उपराज्यपाल को और अधिक शक्तियां प्राप्त हो गई हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को कहा कि ये लोकतंत्र के लिए दुखद दिन है। उन्होंने कहा कि वे लोगों को सत्ता दोबारा सौंपने के लिए संघर्ष करते रहेंगे। इस मसले पर सुनते हैं वरिष्ठ पत्रकार अभिसार शर्मा का क्या कहना है। कल राज्यसभा में उस बिल को आखिरकार पारित कर दिया गया दोस्तों, जिसके बाद अब दिल्ली के अंदर सरकार का मतलब उपराज्यपाल है, यानी कि जो 70 विधायक चुनकर आए हैं उनके कोई मायने नहीं है। और सबसे शर्मनाक बात ये कि जब केंद्र सरकार अपने तर्क रख रही थी तो उन्होंने कहा कि देखिए सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश है, और वो आदेश क्या कहता है, वो आदेश ये कहता है कि आप दिल्ली सरकार को यानी कि अरविंद केजरीवाल सरकार को रोजमर्रा के कामों के लिए उपराज्यपाल के पास जाने की जरूरत नहीं है। तीन विषयों को छोड़ के, जिनमें से एक है लॉ एंड ऑर्डर, दूसरा जमीन, इन्हें छोड़कर आपको बाकी मुद्दों पर जाने की जरूरत नहीं है। यह सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ का फैसला था। केंद्र सरकार कल जब राज्यसभा में अपने तर्क रख रही थी तो वो ये कह रही थी कि हमारा जो फैसला है वो सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को सुचारू ढंग से लागू करने के लिए किया गया है। यानी कि दोस्तों, एक तरह से कहा जा सकता है कल्पना से भी विचित्र इस पार्टी का एक तरह से काम है। ये लोग कुछ भी कहते हैं और इनकी स्क्रूटनी के लिए, इनकी समीक्षा के लिए, इनके बयानों की समीक्षा के लिए कोई कुछ नहीं है। मैं आपको बात बता दूं कि इस मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल की प्रतिक्रिया यह है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा है आपके स्क्रीन्स पर। राज्यसभा पासेस GNCTD अमेंडमेंट बिल, सैड डे फॉर इंडियन डेमोक्रेसी, वी विल कंटिन्यू आर स्ट्रगल टू रिस्टोर पावर बैक टू पीपल, वॉट एवर बी द ऑब्स्टिकल्स वी विल कंटिन्यू डूइंग गुड वर्क, वर्क विल नाइदर स्टॉप नॉर स्लो डाउन। क्या कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल कि ये लोकतंत्र के लिए एक दुखद दिन है और हम अपना संघर्ष जारी रखेंगे। दिल्ली की जनता के लिए जो हम अच्छा काम कर रहे हैं वो काम हम जारी रखेंगे। हम आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल के पक्ष की नुमाइंदगी कल राज्यसभा में संजय सिंह ने कही थी, और संजय सिंह ने बहुत ही भावात्मक अंदाज से अपनी बात रखी। जो दिल्ली के अंदर हुआ है उन्होंने उसकी तुलना महाभारत के उस अध्याय से की जिसमें द्रौपदी का चीरहरण हुआ, और उन्होंने बतलाया किस तरह से सांवैधानिक गरिमा का ह्रास हुआ है, उसका अपमान हुआ है। दोस्तों, मानो एक ट्रेंड हो गया है, एक परंपरा हो गई है कि जहां आप सत्ता में नहीं हैं वहां ताकत के बल पर, पैसे के बल पर सरकारों को गिरा दो। ढेरों मिसालें आपके सामने, या फिर राष्ट्रपति शासन लागू कर दो। आपके सामने पुडुचेरी और मध्य प्रदेश की मिसाल है कि किस तरह से वहां सरकारें गिरा दी गईं। और फिर आपके सामने मिसालें हैं दिल्ली की, जहां पर बेरहमी से, बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा बीजेपी को। सिर्फ 8 सीटें आई उन्हें 70 विधायकों की विधानसभा में, और यहां पर आप देख सकते हैं क्या हो रहा है। तो मुझे लग रहा है दोस्तों, लोकतंत्र का अपमान हो रहा है, लोकतंत्र का मजाक उड़ाया जा रहा है, और जो तर्क केंद्र सरकार दे रही है वो बहुत ही ज़्यादा हास्यास्पद हैं। सबसे दुख की बात यह है दोस्तों कि इतना बड़ा प्रकरण, मगर इसकी चर्चा जो है वो मुख्यधारा की मीडिया में नहीं हो रही है। पश्चिम बंगाल व अन्य राज्यों में चुनावी बॉन्ड पर रोक लगाने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि चुनावी बॉन्ड योजना का समर्थन करते हैं, क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो राजनीतिक पार्टियों को चंदा कैश में मिलेगा। आयोग ने कहा कि हालांकि वह चुनावी बॉन्ड योजना में और पारदर्शिता चाहता है। आयोग ने कहा कि चुनावी बॉन्ड बेहिसाब नकदी प्रणाली से एक कदम आगे है। आयोग के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी ने अदालत को बताया कि पारदर्शिता के मुद्दे पर तर्क पर अंतिम चरण में विचार किया जा सकता है और कोई अंतरिम रोक नहीं होनी चाहिए। ADR की ओर से दाखिल याचिका पर प्रशांत भूषण ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स तो सत्ताधारी दल को चंदे के नाम पर रिश्वत देकर अपने काम कराने का जरिया बन गया है। सरकार की वित्तीय निगरानी संस्था कैग ने बुधवार को वित्त वर्ष 2018-19 में
56.65 करोड़ रुपये राशि के वित्तीय प्रबंधन में चूक के लिए भारतीय खाद्य निगम FCI की खिंचाई की। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग ने वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए भारतीय खाद्य निगम FCI सहित 27 सरकारी मंत्रालयों और विभागों से संबंधित 64 नागरिक अनुदानों के तहत वित्तीय लेनदेन के अनुपालन ऑडिट की जांच की और बुधवार को संसद में अपनी रिपोर्ट पेश की। कैग ने एक बयान में कहा कि उसने FCI के वित्तीय प्रबंधन में कमी के साथ साथ अनुबंध जारी करने में देरी के कारण बचाए जा सकने वाले खर्च के संबंध में कमियां पाई हैं। उन्होंने कहा कि FCI ने तय फैसले के अनुरूप खाद्यान्नों के परिवहन की योजना को अंजाम नहीं दिया, जिसके परिणाम स्वरूप 35.96 करोड़ रुपए के बराबर का रियायती रेलवे भाड़े का फायदा नहीं मिल पाया। राज्यसभा ने बृहस्पतिवार को अवसंरचना एवं विकास के वित्तीय पोषण के लिए राष्ट्रीय अवसंरचना और विकास वित्त पोषण बैंक विधेयक 2021 को मंजूरी प्रदान कर दी है। इसके तहत देश में विकास वित्त संस्थान के गठन का प्रस्ताव किया गया है ताकि आधारभूत ढांचे विकास से जुड़ी परियोजनाओं के लिए दीर्घकालिक ऋण देने वाले वित्तीय संस्थान की कमी को दूर किया जा सके। विधेयक पर उच्च सदन में हुई चर्चा का जवाब देते हुए निर्मला सीतारमण ने कहा कि विकास और वित्तीय लक्ष्यों को ध्यान में रखकर DFI का गठन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसके साथ देश में एक संस्थान और एक संस्थागत व्यवस्था होगी, जिससे लंबे समय के लिए पूंजी जुटाने में मदद मिलेगी। कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। इस बीच भारत सरकार ने AstraZeneca कोविशील्ड के निर्यात पर अनिश्चितकाल तक रोक लगा दी है। इसके अलावा मामलों की बात करें तो देश में पिछले 24 घंटों में फिर से साल के सबसे ज़्यादा मामले सामने आए हैं। केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आज गुरुवार 25 मार्च को जारी आंकड़ों के अनुसार देश में 5 महीने बाद कोरोना के 53,000 से ज़्यादा यानी 53,476 नए मामले सामने आए हैं। इसके अलावा कोरोना से 24 घंटों में 251 मरीजों की मौत हुई है। महाराष्ट्र में भी अब तक के रिकॉर्ड 31,855 नए मामले दर्ज किए गए और 95 मरीजों की मौत हुई। साथ ही इसी बीच देश भर में कोरोना से पीड़ित 26,490 मरीजों को ठीक किया गया है। एक्टिव मामलों में 26,735 मामलों की और बढ़ोतरी हुई है। आज के डेली राउंडअप में बस इतना ही। आप हमारी खबरों को और विस्तार से पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं। साथ ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप हमें Instagram, Twitter और Facebook पर फॉलो भी कर सकते हैं। न्यूज़क्लिक देखने के लिए शुक्रिया।